शादी की जगह बाय द पार्टनर्स की जगह से साथ रह सकते हैं। बेसिकली ये स्टेटमेंट मेरा नहीं बल्कि मलाला यूसुफ़ज़ई का है, जो कि पाकिस्तान की इस वक्त बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है। रिसेंट 2 डेज में उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया है जिसने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को बहुत बड़ा शॉक दे दिया और जगह जगह चैनल्स एंड ट्वीट्स पे उनको क्रिटिसाइज किया भी जा रहा है। तो मैं वर्दा खान, एबी न्यूज चैनल की होस्ट। सो गुफ्तगू की जानी पढ़ने से पहले इट्स माई की रिक्वेस्ट दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। तो जितनी भी आगे आने वाली अपडेट्स हमारे चैनल से रिलेटेड वो आप लोगों को मिलती रहेंगी। चलो अपनी गुफ्तगू की जानी पढ़ते हैं। वॉग एक बहुत मशहूर एंड पॉपुलर मैगजीन है ब्रिटिश का, बरतानिया का, जिसमें फैशन लाइफ स्टाइल से रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं। अब ऑब्वियसली अगर उसमें किसी का इंटरव्यू आता है तो वो एक बहुत फख्र की बात है, यानी कि बहुत बड़ी बात है कि हमारा ब्लॉग यानी कि मैगजीन है। और मलाला यूसुफ़ज़ई का सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं बल्कि उनका तो हैड कवर फीचर भी यानी कि ब्लॉग मैगजीन में आया है। लेकिन उनके इस रिसेंट स्टेटमेंट ने पाकिस्तानियों को बहुत मायूस किया है। अब हम उनके स्टेटमेंट की जानिब बढ़ते हैं फिर आगे अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। उनका रिसेंट स्टेटमेंट है, I still don't understand why people have to get married. मुझे समझ नहीं आता कि लोग शादी क्यों करते। If you want to have a person in your life, why do you have to sign marriage papers? अगर आपकी जिंदगी में कोई इंसान है भी जिसे आप मोहब्बत करते हैं या वो आपसे मोहब्बत करते हैं, फिर उसके लिए मैरिज पेपर से साइन करने की जरूरत है। Why can't it just be a partnership? एक पार्टनरशिप क्यों? यानी कि ये तो सीधा सीधा हमारे निकाह को चैलेंज करते हैं। इस्लामिक कंट्री की रिप्रेजेंटेटिव होते हुए इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन को भी चैलेंज करते हैं। यार क्या हयात तैयबा नहीं पढ़ी या सुन्नत रसूल नहीं पढ़ी? जितनी इजीली आपने बात बोल दी कि यानी कि मैरिज पेपर्स की क्या ज़रूरत है, यानी कि निकाह हमारे इस्लाम में एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। मियाँ बीवी अल्लाह ताला ने एक तोहफा रखा है निकाह की सूरत। निकाह तो वो चीज़ है जो कि हर चीज़ से पाक साफ चुन। उसमें उन्होंने इतना इजीली कह दिया कि मैरिज पेपर यानी कि ये भी करने की क्या जरूरत है, यानी कि शादी ना हो गई कोई डील हुई या कोई पार्टनरशिप हो गई, ये बनी तो बनी, सक्सेस मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं पार्टनरशिप खत्म कर देंगे, कोई खेल कोई मजाक तो नहीं। पाकिस्तानियों को बहुत मायूस किया है इनके रिसेंट स्टेटमेंट में। इंग्लिश बोलना लिखना हमारे माशरे का एक अलमिया बनती है। इन केस अगर कोई इंसान इंग्लिश बोल नहीं पाता लिख नहीं पाता तो हम उसको ये अज्यूम कर लेते हैं दैट अ पर्सन इज इलिटरेट। ठीक है आप इंग्लिश बोलें इंग्लिश लिखें भी, लेकिन क्या इंग्लिश कल्चर को अपने इस्लामिक कंट्री में इंट्रोड्यूस करवाना कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की यूनिटी है, कहाँ का डिसिप्लिन है? इस्लामिक एथिक्स को यानी कि आप क्रिटिसाइज कर रही हो इतना इजली, यानी कि कोई बगैर किसी हेजिटेशन के बगैर किसी चीज़ के आपने इतना इजली कह दिया कि मैरिज पेपर्स की क्या जरूरत है? आप खुद भी तो मुसलमान माँ बाप की औलाद हो यार, तो फिर ये आपके पास छिड़ी ही आप औरतों को हकूक दिलवाती हो, इवन कि आपकी जो स्टोरी है वो मिरेक्युलस स्टोरी कहलाती है, आप औरतों के हकूक के लिए लड़ते हुए विक्टिम बनी और अब आप इतनी बड़ी बात करके एक तरह से देखा जाए तो औरत पे झब्बा लगा रही। ये तो वही वाली बात है कि नजर आते हैं कुछ और हैं कुछ, यानी कि सर पे दुपट्टा ओढ़ लेने के बाद भी उन्होंने उसी कल्चर का फेवर किया। बात तो तब थी कि हमारे ही कल्चर को रिप्रेजेंट करती, उनका तो एक स्टेटमेंट ने ही यानी कि पूरे पाकिस्तान को शॉक दे दिया। इवन की एक बहुत बोल्ड हमारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है मलाला के स्टेटमेंट के बाद, यानी कि मैं कहूँगी कि वो फिर भी मलाला से बेहतर इस्लाम जानती है, दुपट्टा और के उनकी बेहूमती तो नहीं कर रही, वो भी सुन्नत को फॉलो। स्टेटमेंट बाय मथीरा, निकाह इज नॉट अ साइनिंग पेपर, निकाह कोई साइनिंग पेपर नहीं है, ये कोई पर्चा नहीं है। इट्स सुन्ना, नो मैटर हाउ मॉडर्न आई एम, क्या फर्क पड़ता है कि मैं कितनी मॉडर्न हो जाऊँ। आई विल टीच माई किड्स टू गो फॉर निकाह, मैं अपने बच्चों को यही तालीम दूंगी कि निकाह की तरफ जाए। यानी कि मलाला ने तो साफ साफ ये बोला है कि आप अनफिट लाइफ अनफिट लाइफ गुजार रहे हैं जैसे ब्रिटिश नेशनल गुजार रहे होते हैं, तो उनका तो कल्चर ही यही है, उनकी तो नेशन ही है, पर हमारे इस्लाम में तो ये सब नहीं। यानी कि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को, हॉली कुरान को,
सभी को वो चैलेंज कर दिया है, जहाँ तक मेरा पॉइंट है। अब मैं लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि आप लोग अपने रिव्यूज में काइंडली ये जरूर बताइएगा कि आया उनका ये रिसेंट स्टेटमेंट जो कि हमें जैसा लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका जो एक इमेज था मेरी नज़र में ऑब्वियसली वो आपको वैसा नहीं रहा, क्योंकि मुझे तो लगता था औरतों की हुकूक के लिए लड़ती है तो ऑब्वियसली उन्होंने काफ़ी नोबेल प्राइजेस भी जीते हैं पास्ट में, तो काफ़ी उनकी यार होंगी कुछ। लेकिन रिसेंट स्टेटमेंट ने तो काफ़ी मायूस की, इवन के इस स्टेटमेंट ने तो मेरे इस्लाम को यानी कि क्रिटिसाइज किया, मेरे इस्लाम को चैलेंज किया। सो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी ऑडियंस से कि काइंडली अपने जो सजेशन या रिव्यूज है वो जरूर कमेंट में दें। आई होप सो दैट आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। वैसे तो ये सेशन बहुत तकलीफ दे है हर एक मुसलमान के लिए, उसके लिए निकाह एक बहुत पाक चीज़ थी, बट उसको एक चैलेंज बना दिया उसको एक वेल। आज के लिए इतना ही, तो बहुत ख्याल रखने का।